सेट तो कर। ये क्या पंगा है भाई? अरे उसमें देख रहे हैं ऐसे ना, रुक के भाई ये घुमाना पड़ेगा। बस क्वालिटी गुड आफ्टरनून। जय हिंद। अनिल क्वालिटी ओके। तो भाई राम राम, प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। चलो बिना देर किए रिस्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कल यहीं छोड़ा था, आज यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉल प्रोटेक्शन ऑप्शंस, फॉल प्रोटेक्शन के ऑप्शन क्या क्या हैं, किस किस विकल्प को हम इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या विकल्प हमारे पास होते हैं फॉल प्रोटेक्शन को रोकने के लिए। ऊपर से गिरने के कारण जिस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए। तो चलिए, जब तक बाकी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तब तक वेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वेट करेंगे तो लाइव है, बहुत लंबी क्लास हो जाती है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हम क्लास को लंबी करें। आधा पौना घंटा क्लास लेनी है। तो सो देर आर मेन थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। पहले तो ये बात करें कि हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं। तो ऑप्शन में ए सबसे पहला, द फर्स्ट ऑप्शन इज PFAS। PFAS इसको मैं आपको बता देता हूं, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, फुल फॉर्म इसको PFAS लिखने में ऐसे ही लिखा जाता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज, ये सबसे ज्यादा और ये कंपलसरी है, ये इस्तेमाल किया ही जाता है। जब भी आप हाइट पे जाएंगे, 6-7 फीट से ऊपर अगर काम करने जाना है तो इसको कंपलसरी माना जाता है सेफ्टी के अंदर। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज गार्ड रेल, गार्ड RAIL, रेल, गार्ड रेल। इसको आप हैंड रेलिंग भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप जाएंगे, ज्यादा इंडस्ट्री में कहीं भी सेफ्टी में जो काम कर रहे हैं आप लोग, इसको हैंड रेलिंग के नाम से जानते हैं। बताएंगे अभी।
दे दे रहे आपको कि ये चीजें क्या क्या होती हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज सेफ्टी नेट। हमारे पास ये तीन मेन ऑप्शन होते हैं, मुख्य विकल्प हैं, जो फॉल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आवश्यकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, कहाँ पे किसकी जरूरत है या कहीं पे तीनों की जरूरत है। और ज्यादातर केसेस में ना तीनों की ही जरूरत पड़ती है हमें। हाइट वर्क देखिए, 6 फीट 7 फीट से तो कहते हैं कि हाइट वर्क सेफ्टी जो है वो स्टार्ट होती है, लेकिन एक्चुअली इन सब चीज़ों की जरूरत हमें लगभग, सेफ्टी बेल्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बाकी सभी चीज़ों की 10 फीट अगर हम चले जाएं तो ये मान लो कि वहाँ इन तीनों चीज़ों के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भले ही सेफ्टी नेट के बगैर काम चल जाएगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें हमें हर हाल में चाहिए। तो तीनों में से हम बात करते हैं पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम की, PFAS, इसके बारे में बात करेंगे अभी। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, पर्सनल मतलब हमारा खुद का, एक निजी, एक बॉडी का, एक इंसान के लिए। फॉल ऊपर से गिरना, अरेस्ट रोकना, किसी एक इंसान को ऊपर से गिरने से रोकने वाला सिस्टम। सिस्टम मीन्स प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम है, एक के बाद एक कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जो हमें गिरने से रोकता है। ये क्या होता है एक्चुअली सेफ्टी बेल्ट, सभी इसका मतलब सीधे सीधे सेफ्टी बेल्ट ही निकाल लेते हैं कि जी सेफ्टी बेल्ट, लेकिन अकेली सेफ्टी बेल्ट नहीं होती है इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी बेल्ट को नहीं मान सकते हम इसके अंदर, और भी सेफ्टी बेल्ट को यूज करने के लिए कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो जरूरी होते हैं। तो इसमें कई पार्ट हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है एंकरेज। एंकरेज और दूसरा फिर इसमें रहता है एंकरेज कनेक्टर, एंकरेज कनेक्टर। तो एंकरेज की बात करेंगे सबसे पहले। एंकरेज मतलब जो आपने सेफ्टी बेल्ट पहनी है, जिसका नाम सेफ्टी हार्नेस भी बोलते हैं, जो हमने पहनी हुई है उसको लगाने के लिए कहीं पे ऑप्शन क्या है। तो मान लीजिए यहां पे अगर एक आदमी खड़ा सेफ्टी बेल्ट पहन के अगर खड़े हैं, सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है, तो ये जो सेफ्टी बेल्ट की रस्सी है इसको कनेक्ट कहां करना है। लैनियर्ड जो है, इस लैनियर्ड को, इस रस्सी को हमें कनेक्ट कहां पे करना है, हमें ये देखना है। तो इसको कनेक्ट जहां करते हैं, अब वो कोई गार्डर है या स्पेशल बनाया हुआ एंकरिंग पॉइंट है, तो इसको टाई ऑफ कहां करना है, मतलब इसको लगाना कहां है। तो इसको, इस पॉइंट को हम एंकरेज पॉइंट बोलते हैं। सेफ्टी बेल्ट जहां लगाते हैं इसको हम एंकरेज पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा एंकरेज कनेक्टर। अब ये सेफ्टी बेल्ट का हमारा जो हुक होता है, जरूरी नहीं है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हुक हर एक बड़ी छोटी चीज में जाके कनेक्ट हो जाए, वो नहीं लगता है। तो वहां पे एक स्ट्रिप होती है, एक फीता होता है जिसमें बकल लगा होता है स्टील का, जैसे कि उसको यहां बांध दिया जाता है ऐसे, और फिर ये जो सेफ्टी लैनियर्ड हमारा जो है इसको इसमें लगा लेते हैं। तो ये जो था हमारा नंबर एक, और ये जो हमारा कनेक्टर हुआ ये हो गया नंबर दो, एंकरेज कनेक्टर। और एंकरेज कनेक्टर जो, ये कनेक्टर है, इसकी कैपेसिटी जो होती है
वो आपकी 2500 किलोग्राम की इसकी टेंसिल कैपेसिटी होनी चाहिए। टेंसिल कैपेसिटी समझते हैं, 2500 किलोग्राम अगर इस पे बोझ दे दिया जाए, इस पे वेट एकदम से दे दिया जाए तो ये टूटना नहीं चाहिए। 2500 किलोग्राम लगभग अप्रोक्स बोलते हैं इतना, और पाउंड में मानिए लगभग 5000 पाउंड। एंकरेज कनेक्टर के लिए ये स्टैंडर्ड है, तो कहीं कहीं पे कम या ज्यादा लिखा जा सकता है, कहीं पे हो सकता है कम हो, कहीं पे हो सकता है कि ज्यादा हो, लेकिन अप्रोक्स की बात करेंगे लगभग इतना होता है। क्योंकि इतने पे, हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने जब भी जो आप काम कर रहे हैं साइट पे, आप सभी जानते हैं आपने इस तरीके से कभी भी ना तो एंकरेज पॉइंट को, ना एंकरेज कनेक्टर को, ना सेफ्टी बेल्ट को, मेरे ख्याल से बहुत कम जगह ऐसा होता है कि कभी हम चेक करते भी हैं। बस कंपनी ने चेक करके दिया, बना के दिया, सर्टिफिकेट साथ में, उसी को आधार मान के हम लोग उसको डायरेक्ट लेबर को, अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉय को दे देते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, स्टडी का, सिलेबस का एक पॉइंट है तो क्लियर करना जरूरी है, मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी हार्नेस। बॉडी हार्नेस, जब मुझे ऊपर काम करने के लिए जाना है तो एक यहां पे मैं ये जो पूरी की पूरी सेफ्टी बेल्ट होती है, ये सेफ्टी बेल्ट कंधे से लेके नीचे तक सामने, इसमें ऐसे छाती के सामने कनेक्टर होता है, और टांगों के नीचे से भी दो ऐसे स्ट्रिप घूम के आती हैं, और कंधे के पीछे बिल्कुल कमर के यहाँ बीच में मेन कनेक्टर होता है, बकल होता है, जहां से सेफ्टी हार्नेस यानी कि जो रस्सी होती है, हमें कहीं पे भी टाई करनी है वो निकलती है। ये सेफ्टी बेल्ट का इस तरीके का भी है नहीं, यहाँ पहन के मैं डेमो करके दिखा भी देता, लेकिन सेफ्टी बेल्ट आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, जो नहीं जानते हैं, जिसने फोटो भी नहीं देखी होगी, गूगल पे आप सर्च करेंगे फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, ये दो तरीके की होते हैं बेटा, एक होती है फुल बॉडी हार्नेस और एक होता है हाफ बॉडी हार्नेस। हाफ बॉडी का भी यूज खत्म हो गया है, हाफ बॉडी कहीं पे भी कोई इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि वो उतनी ज्यादा कारगर नहीं थी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज मिलेगी, फुल बॉडी हार्नेस लिखा होगा उस पे, ठीक है। अब फुल बॉडी हार्नेस में बहुत सारे मॉडल होते हैं, तो कॉमनली या मोस्टली जो यूज होने वाली चीज है वो मैं आपको बताऊं, तो मोस्टली यूज होने वाले इसमें आता है फुल बॉडी डबल लैनियर्ड हार्नेस। पूरा नाम आप इसको ये बोल सकते हैं, फुल बॉडी डबल लैनियर्ड हार्नेस, मतलब फुल बॉडी कंधे के ऊपर से लेके जांघों के बीच में से आने वाले स्ट्रिप और सामने छाती पे लगने वाले के साथ साथ डबल लैनियर्ड जो रस्सी होती है वहां कमर के पीछे, उसमें से दो रस्सियां आती हैं, दोनों पे सेम बराबर हुक होते हैं, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, और इसी को कंसीडर किया जाना चाहिए। और आप भी अपनी साइड पे डबल लैनियर्ड वाले फुल बॉडी हार्नेस को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये डबल सेफ्टी होता है। कभी कभी हम जब काम करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमें एक तरफ के हुक को पूरा खोल के वहां से निकाल के दूसरी जगह जब लगाते हैं, तो उस बीच में हम कहाँ खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, तब टोटली अनसेफ होते हैं, क्योंकि हुक कहीं पे कनेक्ट नहीं होता है और हम हवा में लटक रहे होते हैं। ये हमारे लिए जरूरी होती है, इसमें दो रस्सियां होती हैं हुक के साथ। अभी क्या होता है कि जब तक हम पहले वाले हुक को निकाल के दूसरी जगह लगा नहीं देते हैं, तब तक हम दूसरा हुक खोलते नहीं है। अब कहीं सीढ़ी पे चढ़ना होता है, लैडर पे चढ़ना होता है, या ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना होता है जहां बीच बीच में ओपनिंग्स हैं, या एक सरफेस से दूसरी सरफेस से, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे कहीं उछल के, या तो एक गैप है उसके बाद जाना है, तो वो टाइम में सिंगल लैनियर्ड वाली बिल्कुल भी कामयाब नहीं है, डबल लैनियर्ड यानी कि डबल रस्सी वाली ही सेफ्टी बेल्ट काम आएगी, वही हमारी जान बचाएगी। तो अब इसके बारे में और तो क्या बताएं, इसका भी सेम 5000
पाउंड्स इसकी टेंसिल कैपेसिटी होनी चाहिए, 5000 पाउंड्स इसकी टेंसिल कैपेसिटी, 5000 LBS बोल सकते हैं या तो पाउंड बोल सकते हैं। अब अगर इंडियन भाषा में हम बात करें अपने हिसाब से, तो भाई इसको फिर हम केजी में, किलोग्राम में लगाएंगे, तो वहां आपको 2300 से 2500 किलोग्राम का आपको वेट इसको उठाने का टेंसिल कैपेसिटी होना चाहिए कि उतने में भी ये टूटेगा नहीं, तब एक आदमी के सडन शॉक को ये सहन कर पाएगी। अच्छा, इसके जो बकल होते हैं, जो कनेक्टर होते हैं, मतलब आपकी बेल्ट में जो बकल होता है ना, बेल्ट जिसमें से हुक लगा के और ऐसे हम एडजस्ट करते हैं, उसी तरीके से बेल्ट में भी बकल्स होते हैं, उनको लगा के एडजस्ट करना होता है। हर बॉडी अलग टाइप की होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई हाइट में ज्यादा, कोई हाइट में कम है, तो पूरी की पूरी सेफ्टी हार्नेस एडजस्टेबल होती है, हर एक पॉइंट उसका एडजस्टेबल होता है, ठीक है। तो वो जो स्टील के जो बकल उसमें यूज किए जाते हैं, जो कनेक्टर या उसको डी रिंग बोलते हैं, आप उसको डी रिंग बोल सकते हैं, डी रिंग्स जो उसमें लगे होते हैं, यूज होते हैं जितने भी, वो सभी स्टील के होते हैं और गैल्वनाइज होते हैं, बिल्कुल जंग नहीं लगता है, कोरोजन ट्रीटेड होते हैं, जंग तो लगेगा नहीं, खराब भी नहीं होंगे वो किसी तरीके से। तो उनकी भी टेंसिल कैपेसिटी 3000 पाउंड्स की होनी चाहिए, जो मतलब चेक 3000 पे करते हैं और बाकी उनकी 5000 तक होनी तो चाहिए, लेकिन करते 3000 पाउंड्स पे ही हैं, 3000 LBS पे बीरिंग्स और सेफ्टी हार्नेस या सेफ्टी स्ट्रिप जितने भी हैं उनको हम टेस्ट करते हैं, या हमें टेस्ट करके देख लेना चाहिए हमारे हिसाब से। अब इसमें सेफ्टी हार्नेस के कई तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, कई कंपोनेंट होते हैं, मैं उनके नाम आप लोगों को बताना चाहूंगा जरूर। एक होता है शॉक एब्जॉर्बिंग, क्या होता है, SHOCK शॉक, शॉक एब्जॉर्बिंग लाइफलाइन, शॉक एब्जॉर्बिंग लाइफलाइन का मतलब एक ऐसी मटेरियल से बनी हुई रस्सी होती है जिसको लाइफलाइन के रूप में यूज किया जाता है, और जब उसमें सेफ्टी बेल्ट या जो भी हम लोग फॉल अरेस्टर जो कनेक्ट करके रखते हैं, तो जब गिरते हैं ना, तो वो एकदम से कोई भी 50-60-70 किलो का आदमी गिरेगा तो शॉक तो लगेगा, झटका तो लगेगा, तो वो उसको एब्जॉर्ब करती है, मतलब वो एकदम से ना तो आपको झटका लगने देगी और ना ही आपको बहुत ज्यादा नीचे तक जाने देगी, तो आपको वो थोड़ा सा ऐसे करके और वहीं पे ऐसे करके रोक देती है, उसको शॉक एब्जॉर्बिंग लाइफलाइन बोलते हैं, ठीक है। और बताता हूं, और एक होती है हमारी सेल्फ लैनियर्ड, सेल्फ इसको रिट्रैक्टिंग बोल सकते हैं, सेल्फ रिट्रैक्टिंग लैनियर्ड, सेल्फ रिट्रैक्टिंग लैनियर्ड। इसमें क्या होता है, एक पुली होती है, ये खासकर मैं आपको बताऊं कहां काम आता है, जब हमें कोई सीवर लाइन में, पाइप लाइन में या किसी मैन होल के अंदर जाना होता है, तो एक ट्राइपॉड लगा होता है ऐसा करके, तीन टांगों वाला, जो ट्यूबवेल लगाने में भी आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा, कहीं गांव देहात में या शहर में कहीं भी जब ट्यूबवेल लगाते हैं तो ऐसे तीन टांगों पे ऊंचा सा खड़ा होता है, फिर उसमें बीच में कनेक्ट करके वो पाइप नीचे उतारते हैं, उसी तरीके से इसमें भी तीन टांगों का जो वो ट्रायंगल सा जो बोलते हैं वो खड़ा करते हैं, उसके बीच में एंकरिंग पॉइंट होता है, और ये एक पुली की तरह होता है, जो चैन पुली बड़े भारी सामान को खींचने के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके का एक पुली होता है, इसमें से एक रस्सी नीचे जाती है जो हमारे सीधे शरीर के कमर पे हमारा जो सेफ्टी बेल्ट या जो हार्नेस है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अपने हिसाब से धीरे 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 हम उस आदमी को जो काम करने जा रहा है नीचे, उसको इससे नीचे उतार देते हैं और फिर वापस ऊपर भी खींच लेते हैं। ये सेल्फ रिट्रैक्टिंग लैनियर्ड होता है, यानी कि इसको किसी दूसरे आदमी के बिना हम खुद भी हैंडल कर सकते हैं, अपने से ही उसका कनेक्टर होता है, तो उसको जैसे जैसे लूज छोड़ेंगे वो नीचे आएगा, जैसे टाइट करेंगे वो टाइट हो जाएगा, ठीक है।
अब लाइफलाइन, मैन असली लाइफलाइन की बात करें तो लाइफलाइन भी यूज की जाती है इसमें, जिसको लाइफलाइन या ग्रैब केबल बोलते हैं, लाइफलाइन या तो फिर ग्रैब केबल्स। अब ये लाइफलाइन और ग्रैब केबल हमारे इंडिया में क्या होता है, ये नायलॉन की जो रस्सियां होती हैं, जिसको प्लास्टिक की रस्सी भी हम बोलते हैं, वो नायलॉन की रस्सियों को ही 16 mm की, मैक्सिमम 16 mm की लगभग जो है वो रस्सी को ही लाइफलाइन के रूप में यूज किया जाता है। दो साइड में उसको कनेक्ट करके, दोनों साइड में एंकरिंग पॉइंट देके, उसी पे एक की बजाय कभी कभी तीन तीन चार चार पांच पांच में लगा लेते हैं। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो उस तरीके की रस्सी पर एक दो से ज्यादा आदमी जो वो सेफ्टी बेल्ट एंकर करके काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेफ्टी के बारे में फॉर्मेलिटी है, सेफ्टी ऑफिसर को दिखाने के लिए वो एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। एक्चुअल में ऐसा सेफ्टी का वहां पे कोई प्रोसीजर है ही नहीं, क्योंकि अगर एक भी आदमी एक ही सिंगल लाइफलाइन पे अगर चार पांच लोग एक साथ एंकर करके खड़े हैं और अगर एक भी कोई मिसहैपनिंग होती है, एक भी लड़का अगर एक भी काम करने वाला अगर नीचे गिरा किसी भी कारण से, कारण बहुत सारे होते हैं ऊपर से गिरने के, हाइट वर्क के, भाई चलते जा रहे हैं कोई लंबे बड़े सरिये लेके जा रहा है वो सरिया किसी दूसरे को टच कर जाए, कोई भारी चीज लेके जा रहे हैं वो किसी को धक्का लग जाए, या हमारा ठोकर लग के हम गिर जाए, प्लेटफॉर्म के जो प्लैंक्स होते हैं लकड़ी के फटे हैं वो कोई टूट जाए, करंट लग जाए, या तो हम जो काम कर रहे थे सेटरिंग वगैरह कर रहे थे वो एकदम हमारे ऊपर गिर जाए, कुछ भी कारण से अगर कोई एक भी गिरा ना तो पूरी की पूरी लाइफलाइन उसी की तरफ झुक जाएगी और सारे के सारे वहीं खींच के आएंगे और सभी लोग एक 16 mm की रस्सी, वो भी नायलॉन की जो ऐसे स्ट्रेचेबल होती है जो खींच सकती है, अगर उस पर लटक गए तो आप भी समझते हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी प्रैक्टिकली इस चीज को इमेजिन करके देख सकते हैं कि किस लेवल की सेफ्टी हो सकती है वो, ठीक है ना। ये वायर रोप होती है, हल्की होती है, स्टील की हो सकती है या एलॉय, मेरे ख्याल से मिश्रित धातुओं की भी बनके भी शायद आ रही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से यूज करें तो लाइट वेट और स्टील वायर रोप यूज की जाती है इसके लिए, खासकर लाइफलाइन के अंदर स्टील वायर रोप ही स्टैंडर्ड एज पर स्टैंडर्ड यूज की जानी चाहिए, लेकिन की नहीं जाती है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, और हाँ, जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है, लाइफलाइन की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, वो हम मिनिमम 5000 से 11000 पाउंड, 11000 पाउंड की इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ मानते हैं। और ये आपको मैं बताऊं, जो भी लाइफलाइन यूज करते हैं सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए या एंकरिंग पॉइंट के लिए, इसको 5000 से 11000 पाउंड के टेंसिल पे चेक करते हैं, इसको स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है। और रेगुलेशंस बताऊं, ओशा के 29 CFR के सेक्शन के अकॉर्डिंग इसको चेक किया जाता है। आप चाहें तो आप रेगुलेशन लिख सकते हैं 29 CFR 1910.66। आप जब ये डालेंगे तो लाइफलाइन के बारे में समझ में आएगा कि लाइफलाइन की लोड कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका लाइफलाइन के बारे में हो गया। नंबर तीन लाइफलाइन ही था ना, नंबर तीन आपका लाइफलाइन, ये सेफ्टी बेल्ट के साथ जो यूज की जाती हैं, मैं उन सभी चीजों के बारे में बता रहा हूं। इसके बाद फुल बॉडी हार्नेस तो आ ही गया है आपका, नहीं क्रॉस आर्म रहने दो, इतने बहुत हैं आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम के अंदर एंकरेज पॉइंट सबसे पहला, एंकरेज कनेक्टर पॉइंट मतलब जहां पे लगाना है, कनेक्टर मतलब सेफ्टी बेल्ट का जो हुक है और जो एंकरेज है, उन दोनों का कनेक्शन करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसको एंकरेज कनेक्टर बोलते हैं। कभी कभी तो जो स्कैफोल्डिंग हुक जो होते हैं, कई तरीके के हुक आते हैं हार्नेस के साथ में लैनियर्ड पे लगे हुए, मोस्टली स्कैफोल्डिंग हुक ही यूज किए जाते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं, कई तरीके के स्ट्रक्चर पे वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं जब वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं तो उसके लिए एंकरेज कनेक्टर यूज किया जाता है, वो मैंने बताया आपको।
सीधा एक स्ट्रिप होती है, मतलब एक फीता पट्टी होती है इतनी चौड़ी, जैसे अभी ये इसको हम बना देते हैं इतनी चौड़ी, वो ऐसे स्ट्रिप होती है लंबी, आपकी बेल्ट की तरह नायलॉन की बनी होती है और प्लास्टिक फाइबर फाइबर यूज होता है उसके अंदर। उसी पे बकल लगा होता है, कनेक्टर लगा होता है, उसी को हम एंकरेज कनेक्टर बोलते हैं। इसके बाद शरीर पे लगा हुआ पूरा का पूरा बॉडी हार्नेस होता है, उसके बाद कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं। ये मैंने जो आपको बताया ये सभी हमारी कनेक्टिंग डिवाइसेस थी कि इसके साथ क्या क्या कनेक्ट होता है, इसको हम कनेक्टिंग डिवाइसेस बोलते हैं। शॉक एब्जॉर्बिंग है लाइफलाइन, और इसके बाद सेल्फ रिट्रेन लैंड यार्ड थी लाइफलाइन, या तो इसको हम बोल सकते थे केबल ग्रैब। केबल ग्रैब मतलब एक ऐसी केबल दी गई है जिसपे सेफ्टी बेल्ट लगा के हम लोग रखते हैं और वो हमें पकड़े रहती है। सेफ्टी बेल्ट के जो हुक होते हैं उस हुक को आप कार्बाइन बोल सकते हैं, कार्बाइनर्स होते हैं बहुत सारे। और बेटा ये कई तरीके के हैं, ये थ्रेडेड भी होते हैं, थ्रेडेड मतलब ऐसे करके ये ऐसे भी बने होते हैं, यहाँ पे कनेक्टर रहता है। थ्रेड वाले में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए अभी थ्रेड वाले सस्ती भी होती थी, लेकिन अभी थ्रेड वाले जितने भी कार्बाइनर, या तो इसको आप लैनियर्ड का हुक बोल सकते हैं, ये सभी स्कैफोल्ड हुक में ही यूज होने लगा है। ज्यादातर स्कैफोल्ड हुक वाली ही ली जाती है, क्योंकि स्कैफोल्ड हुक काफी बड़ा होता है ऐसे, और वह हर एक टाइप के एंकरिंग पॉइंट पे लग जाता है। चलिए इसके अलावा आज दो चीजें पढ़ेंगे, एक आपका ये, इसके बाद क्या था, हैंड रेलिंग सिस्टम यानी कि गार्ड रेल सिस्टम। अब दूसरा गार्ड रेल सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं आज। गार्ड रेल सिस्टम, अब देखो गार्ड रेल सिस्टम का जैसा मैंने बताया, गार्ड यानी कि सुरक्षा करने वाला, रेल, रेल किसे कहते हैं, रेल यहाँ पे हमारी जिसमें हम बैठ के जाते हैं ट्रेन, उसको रेल बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली वो रेल नहीं होता है। हिंदी में रेल गाड़ी अगर हम कहें तो वो जो उसकी पटरी होती है ना ऐसी लंबी जिसपे वो चल के जाती है उसको रेल बोलते हैं। इसके ऊपर चलने वाली को हम रेल की गाड़ी बोलते हैं। तो रेल का मतलब ऐसे सीधे समानांतर रेखा में जब कोई भी चीज होती है जिसपे कोई चीज हमें ऐसे लुढ़का के लेके जानी है या ऐसे घिसरा के लेके जानी है तो उसको हम रेल बोल देते हैं। तो ये गार्ड रेल या इसको हैंड रेल नाम दिया गया है। हैंड रेल मतलब आप जब कहीं पे सीढ़ियां चढ़ते हैं, अपने घर के चढ़े, हॉस्पिटल के चढ़े, ऑफिस के चढ़े, किसी भी बिल्डिंग के चढ़े, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो जैसे अभी बना देते हैं ये जो सीढ़ियां हैं यहां पे, ये चीज तो सभी ने देखी होगी कि यहां एक ऐसी पाइप लगा के ऐसे वेल्ड करके बना दिया जाता है, बनाया जाता है सुरक्षा के लिए सीढ़ियों पे, कि भाई साइड में ना गिरे कोई भी। तो इसी को हम हैंड रेलिंग कहते हैं, हैंड रेल कहते हैं, इसी को गार्ड रेल कहते हैं। यही चीज है जो आपके घरों में लगाई जाती है। तो हाइट वर्क पे जब हम काम करते हैं, ऊंचाई पे जब काम करते हैं, तो वहां काम करने के लिए भी हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने साथियों की सुरक्षा के लिए, या अगर हम सेफ्टी ऑफिसर्स हैं तो मेरे को सभी ऊपर काम करने वाले एम्प्लॉयज, लेबर वर्कर, सभी की सुरक्षा के लिए हाइट वर्क पे हैंड रेलिंग देना बहुत जरूरी होता है। ये कई तरीके से दी जाती है, लेकिन सिस्टम सभी का बराबर होता है। भाई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सारी जानकारी है, सब कुछ जानते हैं, तो बेटा आपको पढ़ने की वैसे ही जरूरत नहीं है, आप वीडियो बंद कर सकते हैं। और अगर आपने सारी जानकारी ले रखी है पुत्र जी पहले से ही, तो दूसरों को तो लेने दीजिए। आप ऐसे जवाब देते रहेंगे तो फिर आप ही पढ़ा सकते हैं हमारी जगह। देखिए ये हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है,
जहां हमने काम करना है। तो अब यहां काम करने के लिए, और ये मान लेते हैं कि कम से भी कम 100 फीट ऊपर है जमीन से, 50 से 100 फीट की हाइट के, 50 60 70 80 कितना भी ऊपर हाइट पे है, मिनिमम 50 फीट की हाइट पे ये है। तो यहाँ अगर साइड में कुछ भी रुकावट नहीं होगी, कुछ भी अगर हम सेफ्टी की ऐसी कोई डिवाइसेस नहीं लगाएंगे, कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं लगाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ से गिरते ही मेजर एक्सीडेंट होगा, और मेजर एक्सीडेंट में फैटल होने के बहुत चांसेस हैं, यानी कि डेथ होने के बहुत चांसेस होते हैं हाइट वर्क में। और स्कैफोल्डिंग पे तो बहुत ही ज्यादा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अगर डेथ का रेशियो है तो वो स्कैफोल्डिंग पे काम करने के दौरान ही है, आप रिकॉर्ड उठा सकते हैं। तो इस पे काम करते समय हमें सेफ्टी के लिए हैंड रेल या गार्ड रेल की जरूरत पड़ती है। तो जो सबसे ऊपर पाइप लगा के कैसे भी एक जो रेलिंग दी जाती है सबसे ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं टॉप रेल। क्या बोलते हैं? टॉप रेल। टॉप रेल मतलब सबसे टॉप में दी हुई है, ये टॉप रेल है। तो अभी जैसे आपके बीच में कोई स्टूडेंट है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो इसकी जो वर्किंग प्लेटफॉर्म से जो हाइट होती है बेटा, ये वाली टोटल ये 42 इंचेस। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड टाइप ऑफ वर्क, इसको 2 से 3 इंच डाउन भी रखा जा सकता है और 2 से 3 इंच ऊपर भी किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, कभी कभी जरूरी नहीं है 42 ही होती है, इसको 45 इंच भी किया जाता है, अगर जरूरत पड़े तो इसको 45 इंच तक बढ़ाया जा सकता है, और अगर जरूरत पड़े उतना ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं है तो इसको हम 40 इंच पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बीच वाला ओशा के अंदर हमारे और भी कई, ओशा के अलावा भी एक दो अथॉरिटी हैं भाई जो ये सारी चीजें देती हैं कि हमें कब कितना कहां पे क्या लगाना है। 42 107 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना दोनों। अब इसके बाद, और मैंने आपको बताया इसको 3 इंच तक नीचे रखा जा सकता है 42 से, और यही ओशा के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं मैं सभी को, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो 3 इंच बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ 3 इंच मैक्सिमम डाउन और 3 इंच मैक्सिमम अप, ठीक है, इतना ही कर सकते हैं, उससे कम ज्यादा संभव नहीं है और किया भी नहीं जाता है। ये होगी टॉप रेल। अब इसके बाद अगर मैं बिल्कुल आपको लोकल लैंग्वेज में देसी हिसाब से बताऊं, क्योंकि बेटा आप जब आप रेलिंग लगाओगे ना, या जो भी साइड पे आप काम कर रहे हो, आप भी जानते हो, मैं भी काम करके आया इतने सालों तक, हमें भी जानकारी है भाई, वहां पे कोई भी वो आप टेप लेके और मापने नहीं जाने वाले हो, आपने लेबर को बोल दिया, वो लेबर जैसे आज तक लगाती है वैसे ही लगाएगा। तो मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूं कि आपकी जो बेल्ट होती है नॉर्मली 5'7" 5'8" से लेके 5'8" तक की हमारे इंडिया में एक एवरेज हाइट मानी जाती है, तो इस हिसाब से जो कमर में आप बेल्ट जहां लगाते हैं वहां हम टॉप रेल लगाएंगे। ध्यान दीजिए, वहां टॉप रेल लगाई जाती है, और जहां आपका घुटना होता है वहां पे हमारी बीच में जो रेलिंग लगाई जाती है इसको बोलते हैं मिड रेल। मिड रेल यानी के बीच में लगने वाली जो बिल्कुल हाफ में लगाई जाती है, और तो 42 के बिल्कुल बीच में लगाई जाएगी, तो इसको आप 21 इंच कर सकते हैं। तो अगर ऊपर वाली 3 इंच ऊपर नीचे होगी तो ये भी 3 इंच ऊपर या नीचे होगी, अगर कभी भी कहीं पे हमें जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। और इसके नीचे ये हो गया पूरा काम, लेकिन अभी भी बाकी है। यहां प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऐसे लकड़ी के फट्टे या स्टील की प्लेट्स लगाए जाते हैं, यहां पाइप नहीं लगाया जाता, ये पूरा बंद होता है, ये बिल्कुल बंद होता है भाई पूरा का पूरा, इसको बंद किया जाता है। अब ये हमारा
3.5 से 4 इंच की ऊंचाई इसकी होती है, यानी कि ये जो हम फटा लगाएंगे ऐसे खड़े, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है तो ये सबसे नीचे वाला ऐसे खड़ा फटा लगाया जाएगा, और ये खड़ा फटा या स्टील की जो प्लेट लगाएंगे इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो हमारी 3.5 से 4 इंच की रहेगी। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं टो बोर्ड। क्या बोलते हैं, टो बोर्ड। तो जो टॉप में लगाई जाएगी वो टॉप रेल, जो बीच में लगाई जाएगी वो बीच में लगी मतलब मिडल में लगी है यानी कि मिड रेल, और जो टो यानी कि पैर के पंजे को टो बोलते हैं, तो जो वो टो लगाई जाएगी तो उसको हम टो बोर्ड बोलेंगे। इसका काम होता है आपको गिरने से रोकना, ये होती है सपोर्ट देने के लिए, और कभी कभी बैठ के काम करते हैं तो बिड्रेल काम करती है, और प्लेटफॉर्म पे जैसे कल भी मैं जिक्र कर रहा था प्लेटफॉर्म के जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बहुत सारा डेवरेज, बहुत सारे कबाड़ी चीजें रखी जाती हैं, पड़ी होती हैं, जैसे कंक्रीट करते टाइम में कंक्रीट के जो ब्लॉक्स बन जाते हैं, जो टुकड़े बन जाते हैं बहुत सारे, वो पड़े होते हैं सीमेंट के, और जो सरिया के और शटरिंग प्लेट के बीच में कुछ एक ब्लॉक्स बना के लगाए जाते हैं स्पेशल, वो बहुत सारे पड़े होते हैं शटरिंग के टाइम में, या स्कैफोल्डिंग के टाइम में जो बोल्ट्स वगैरह बच जाते हैं वो, और आपके कुछ एक औजार हथियार होते हैं काम करने के लिए, आप स्पैनर पाना यूज करते हैं, आप चाबी यूज करते हैं, आप हथौड़ी यूज करते हैं, वो सारी चीजें पड़ी होती हैं, कुछ सरिये के टुकड़े पड़े हो सकते हैं, छोटे स्कैफोल्डिंग के जो पाइप होते हैं उनके टुकड़े वहां पड़े हो सकते हैं, तो वो ठोकर लग के हमारे पैरों से लग के वो नीचे जाके किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके लिए टो बोर्ड लगाया जाता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को रोकने के लिए। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब जो ऊपर से गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें नीचे गिर के हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको रोकने के लिए टो बोर्ड लगाया जाता है। अब इनका जो एक टेस्ट होता है एज पर ओशा या कैसे भी अगर टेस्ट बताऊं तो, हालांकि हम उतना टेस्ट करते नहीं है फिर भी बताना जरूरी रहता है, जो टॉप रेल है ना इस पे अंदर की साइड से ऐसे बाहर धकेल के देखते हैं कितना, 200 पाउंड का वजन देके इसको चेक करते हैं कि भाई कितना अंदर बाहर जा रहा है। और मैं अगर बताऊं तो ये अगर वो धक्का देने से 200 पाउंड का वजन डालने से बाहर अंदर हो रहा है तो मैक्सिमम 2 इंच से ज्यादा अंदर बाहर नहीं होना चाहिए। अगर 2 इंच से ज्यादा अंदर बाहर हो रहा है तो फिर स्कैफोल्डिंग में गड़बड़ है भैया, हैंड रेलिंग गलत है, ये हमारा वेट एकदम से झटके के साथ रोक नहीं पाएगी, इसीलिए इसको फिर दोबारा चेक करना होगा। और अगर 200 पाउंड का मतलब आप लगभग 90 kg के ऊपर मान के चलो, 90 kg का 1-2 किलो ज्यादा हो सकता है, तो 90 से 95 kg के किलोग्राम के अब किसी आदमी से या कैसे भी दो आदमी मिलके उतना लगभग अंदाजा लगा के उसको धकेल के देखते हैं तो 2 इंच से ज्यादा उसके अंदर अंदर बाहर आने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बीच वाली में 150 पाउंड, यही जो है बीच वाली को 150 पाउंड वजन डाल के चेक करते हैं, और टॉप बोर्ड को चेक नहीं करते हैं भाई, उसको ऐसे ही बांध के लगा के रखना पड़ता है। ठीक है भाई, सो आज आपका सेफ्टी बेल्ट, फॉल अरेस्ट सिस्टम और गार्डिंग सिस्टम, गार्डरेल या हैंडरेल सिस्टम दोनों कंप्लीट होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा और गहराई से कितना पढ़ाएंगे, मोटा मोटा उतना अगर आपने सीख लिया तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आज के लिए यही विराम देते हैं, खत्म करते हैं क्लास को, कल संडे है, कल तो क्लास नहीं होगी, हाँ मंडे को फिर रेडी रहिएगा थर्ड पार्ट के लिए, वर्किंग एट हाइट पार्ट थर्ड सेम टाइम। देखो एकदम से चालू किया है ना तो हर किसी को टाइम का नहीं पता है, टाइम का हर किसी को पता चलेगा जब आप लोग इस चीज को शेयर करेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो अगर आप अपने जिस कॉलेज में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं या आपको एग्जाम देना है, या तो आपके पास ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे बहुत सारे, टेलीग्राम या फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं,
तो उन सभी में आप ये डाल सकते हैं ताकि लोगों को एक टाइम पता चल जाए। क्लासेज रेगुलर रहेंगी, डोंट वरी, जब तक कोशिश रहेगी डेली दोपहर में 1 बजे सेफ्टी की एक क्लास तो डेफिनेटली लेंगे। एक आध दिन छूट भी गया तो नेक्स्ट डे कर लेंगे, चिंता नहीं कीजिए, कंप्लीट सिलेबस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।